With a new episode for the month of March 2017, the entire team of News Divine welcomes our esteemed viewers. I, Rakesh, will be your host for this episode of News Divine. Khabre, Prem aur Bhakti ki. Namaskar, Dhan Nirankar. Friends, we are all aware of the phrase that a man is known by the company he keeps. Thus, it is important to remain affined with the company of aware, enlightened and discerning souls. And this is only possible by the grace of Sadhguru, the true master, who creates a world of bliss by first passing on the eternal message of God knowledge, the Brahmanubhuti, and then uniting the awakened souls as a congregation, as satsang. But all this is not as easy as it seems. Being a torchbearer of truth and love takes a lot of patience, perseverance, penance and dedication. Well, this is the very reason that saints and sages who tread this challenging path are revered and worshipped for ages. Ji haan, satya aur paropkar ka marg ati jatil hai. Ye path tap mangta hai, tyag mangta hai. Sankshep mein kahein, to ye marg jeevan mangta hai. Aur keval Sadhguru hi aisa jeevan jeekar na keval manav adarshon ka ek udaharan prastut karte hain, balki vishv ki anek samasyaon ka hal bhi pradan karte hain. ऐसा ही संपूर्ण जीवन जिया बाबा बूटा सिंह जी ने, बाबा अवतार सिंह जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी ने और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने. और उसी नेक राह पर, उसी दिव्य मार्ग पर आज सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज निरंकारी मिशन के कारवां का पथ प्रदर्शन कर रही हैं. तो आइए उन सभी खूबसूरत लम्हों को समेट कर आज के इस एपिसोड में देखते हैं, इस बुलेटिन में देखते हैं. और सबसे पहले मुख्य समाचार, हेडलाइंस ऑफ द मंथ. दिव्य वाणी, सल्वेशन टूर्स, समागम्स, मिशन ओवरसीज, एसएनसीएफ डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज. और अब समाचार विस्तार से. अपने पहले सेगमेंट में हम पिछले कई एपिसोड्स की तरह उन दिव्य वचनों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे जो यथार्थ पर, प्रेमा भक्ति के सिद्धांत पर आधारित थे. और वो भाव हैं बाबा हरदेव सिंह जी के. आइए जीवन की हर समस्या का हल प्रदान करने वाले संदेश को सुनते हैं दिव्यवाणी में. जैसे वो मिसाल एक शबनम के कतरे की आती है या ओस की आती है, बरसात की बूंद की आती है, और वहाँ पर भी दोनों की स्थितियाँ अपनी अपनी हैं. एक उन बूंद को, उस बूंद को देखकर यही कह रहा है कि क्या मोती से बिखरे पड़े हैं, और दूसरा जो है उसकी मनोस्थिति कुछ और है, और वो उसी बूंद को आंसू के रूप में देख रहा है, मायूसी के रूप में देख रहा है. यानी कि दोनों की स्थितियां अपनी अपनी हैं. तो भक्त की अवस्था एक उत्तम अवस्था होती है. इसीलिए कहा है कि हर रंग विच एक रंग रवे, कि हर रंग में एक ही रंग, यानी कि एक ही इसकी मनोस्थिति रहती है, यानी कि सकारात्मक इसका नज़रिया और रवैया रहता है. ये इसी रंग में रंग कर ही, नाम के रंग में रंग कर ही जीवन के सफ़र को तय करता है, और उस रंग को अपने मन पे नहीं चढ़ने देता जो रंग बदसूरत कर देते हैं, जो भक्त होने की पहचान भी हमसे छीन लेते हैं. उस रंग को हरगिज़ अपने मन पे चढ़ाते नहीं हैं. तो इसीलिए रंगों का अनेकों अनेकों रूपों में जिक्र है. कहीं देश प्रेम में बसंती चोले का जिक्र है, कहीं पर लाल रंग का जिक्र है, कहाँ पर रंग हनुमान जी चढ़ा लेते हैं, एक माता सीता के उस सिंदूर को ही देखकर अपने जिस्म को ही वो सारा रंग लगा लेते हैं कि इसी से राम खुश होते हैं. यानी कि किस प्रकार से कितने कितने पहलू हैं जो ऐसे ऐसे रंगों को दर्शाते हैं. और वाकई ही जो कल्याणकारी है उसी का ही महत्व है, उसी की ही
एक महत्ता भक्त जन जानते हैं, इसीलिए औरों को भी यही प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, दिव्यवाणी में बाबा जी के प्रवचनों में अवश्य ही हम सब ने कई प्रश्नों के उत्तर पाए हैं। जी हाँ, एक प्रसिद्ध भक्ति रचना का कुछ इसी प्रकार का संदेश है कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। और आज की सतगुरु यानी सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के परोपकार की तस्वीर तो हर भक्त के लिए एक अद्भुत आश्चर्य और आशीर्वाद बनती चली जा रही है। सतगुरु माता जी बाबा हरदेव सिंह जी की तरह ही हजारों मील का सफ़र तय करके लाखों भक्तों को देश के अनेक प्रांतों व शहरों में पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, और जहां जहां मां के चरण पड़ रहे हैं भक्तों का उत्साह पहले से भी बुलंद और संगतों की हाजिरी इतनी कि पंडाल से बाहर तक कतारें। और ये सब प्रामाणिक रूप से मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि सतगुरु माता जी की कल्याण यात्रा के एक हिस्से में दास को भी टूर में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सदगुरु के उपकार का किस्सा तो कुछ ऐसा कि सुबह से देर रात तक अनेक पड़ावों में सफ़र और हर विश्राम स्थान पर भक्तों को दर्शन और नमस्कार का अवसर। अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता किए बगैर सदगुरु माता जी बस चलते चले जा रहे हैं और हर स्थान पर ऐसा विलक्षण संदेश देते चले आ रहे हैं जो सभी को अंतर्मुखी होकर अपने ही मन, बुद्धि और कर्म को एक सुंदर रूप देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। आइए देखते हैं इन्हीं कल्याण यात्राओं के अंश। सेक्शन का नाम कल्याण यात्राएं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा निरंतर की जाने वाली कल्याण यात्राओं का अल्प विराम अब समाप्त हो चला है और उन पावन पदचिन्हों पर एक बार फिर से सदगुरु माता जी की रहनुमाई में चलने लगा है सत्य का कारवां। मुंबई समागम के सफल समापन के पश्चात सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने सत्य के काफिले सहित मानव कल्याण हेतु अपने पावन चरणों को तेज गति प्रदान की और बढ़ चले महाराष्ट्र की कल्याण यात्रा पर। इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव था पुणे शहर। पुणे जाते समय रास्ते में बदलापुर सत्संग भवन पर रुक कर उपस्थित संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी दिन सासवड के जगताप ग्राउंड में विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में भक्तों के अलावा गणमान्य सज्जनों ने भी उपस्थित होकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग कार्यक्रम में देर तक भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों और कविताओं का सिलसिला चलता रहा। अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में बाबा जी के हवाले से कहा कि हम यूं तो पथरीली सड़कों के सारे पत्थर नहीं हटा सकते, किंतु यदि हम मजबूत सोल का जूता पहन लें तो हमारे लिए चलना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के शुक्राने का भाव आते ही जीना आसान हो जाता है। सत्संग समारोह के बाद सद्गुरु माता जी ने पुणे स्थित निरंकारी सत्संग भवन का उद्घाटन किया और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। पुणे में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर अहमदनगर जाते हुए रास्ते में पेरणे भाटा में रुककर सद्गुरु माता जी ने नए सत्संग भवन का उद्घाटन किया और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार रास्ते में अहमदनगर के पुंडेवाड़ी कस्बे में भी नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन सद्गुरु माता जी के पावन कर कमलों के माध्यम से हुआ। यहाँ पर भी भक्तों को अपने सद्गुरु के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चिंचौली के सत्संग भवन पर रुककर यहाँ उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया और सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित आगे बढ़ चले। 2 फरवरी को ये सत्य का काफिला अहमदनगर पहुँचा। यहाँ पर जाधव नगर के एक खुले प्रांगण में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें स्थानीय भक्तों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ तथा अनेक गणमान्य सज्जन भी उपस्थित हुए और सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। मुख्य मंच पर देर तक गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के रूप में भक्ति की धारा बहती रही। कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने बाबा जी के प्यार, नम्रता और एकत्व के भाव को उजागर करते हुए कहा, प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन जी। साथ संगत जी, इस रूप में यहाँ पे काफ़ी अरसे के बाद आप सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी के साथ यहाँ आने का मौका मिला और बाबा जी ने हमेशा
प्रीत प्यार नम्रता वननेस वाला पैगाम ही दिया। इस निरंकार प्रभु का बोध करा के, ज्ञान दे के इंसान का इंसान के साथ नाता जोड़ा और पूरे विश्व को हमारा परिवार बना दिया। अभी आपने महापुरुषों से भी सुना, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। और जो भी संत महापुरुष इस सिखलाई को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वही इस मिशन के रोशन मीनार बनते हैं। अगले दिन सद्गुरु माता जी अहमदनगर के भक्तों को स्नेहाशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने अगले पड़ाव सोलापुर की ओर बढ़े। अहमदनगर से सोलापुर जाते समय रास्ते में करमाला एवं टेम्भुड़ी में भी रुककर श्रद्धालुओं को दर्शन देकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात ममतामयी सद्गुरु माता जी ने रास्ते में ही देवभूमि कहे जाने वाले पंढरपुर में नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। 3 फरवरी को सद्गुरु माता जी का आगमन सोलापुर जिले में हुआ। यहाँ के मोहोल कस्बे में चंद्रमौली MIGDC ग्राउंड में भव्य सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सद्गुरु माता जी और साध संगत के चरणों में देर रात तक भक्ति भरा समा बधा रहा। अंत में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के अमृत वचनों के बाद सत्संग समारोह का समापन हुआ। अगले दिन 4 फरवरी को ममतामयी माता जी ने सोलापुर सत्संग भवन पर एक बार फिर से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। और इस प्रकार स्थान स्थान पर रुककर भक्तों को अपने दिव्य दर्शनों से अभिभूत करते हुए सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित 4 फरवरी को हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद का नव निर्मित निरंकारी सत्संग भवन, जिसकी रूपरेखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर स्वयं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिशा निर्देश द्वारा तैयार की गई और नींव का पत्थर भी बाबा जी के पावन कर कमलों द्वारा रखा गया। और अब ये विशाल भव्य खूबसूरत सत्संग भवन तैयार हो चुका था और पूरा हुआ था सद्गुरु बाबा जी का मानव हितार्थ इस सुंदर सत्संग भवन का सपना। सत्संग भवन का उद्घाटन सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के पावन कर कमलों द्वारा हुआ। तत्पश्चात बच्चों ने अपनी मोहक प्रस्तुति द्वारा सद्गुरु माता जी का भावभीना अभिनंदन किया। उद्घाटन समारोह में सद्गुरु माता जी ने बाबा जी और राज माता जी की शिक्षाओं का जिक्र किया। साथ संग जी, कुछ समय पहले बाबा जी के कर कमलों द्वारा इस भवन का नींव पत्थर रखा गया और आज बाबा जी के आशीर्वादों की बदौलत ही इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। साथ संग जी, बाबा जी ने साध संगत को हमेशा एक माँ का दर्जा दिया और अपने सिर का ताज माना। 5 फरवरी को हैदराबाद के सिकंदराबाद में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जहाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के अनेक शहरों से आए श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया, वहीं अनेक गणमान्य सज्जनों ने भी इस समारोह में उपस्थित होकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया। साथ संगत जी, हम देखते हैं कि कोई बच्चा या कोई इंटरव्यू के लिए जाता है या कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो हम उसे कह देते हैं, बी कॉन्फिडेंट, हैव कॉन्फिडेंस, मतलब कि अपने पे विश्वास रखो। पर जो संत महात्मा होते हैं वो अपने से ज़्यादा इस निरंकार प्रभु पे और इस निरंकार प्रभु की रज़ा पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे हट के कुछ भी नहीं है। The enlightened ones, before being confident, they are God-fident, and they surrender to the will of the Almighty Nirankar. साथ संगत जी, बाबा जी से भी एक बार हमने उनके प्रवचनों में सुना कि अगर कोई चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में टाइम तो उतना ही लगता है, पर अब ये हमारे पे है कि हम वो परेशान होकर टाइम बिताएं या इस निरंकार प्रभु की रज़ा समझ के अपने आप को रिलैक्स रखें और शांत रखें। साथ संगत जी, कल ही भवन का उद्घाटन किया और बच्चे बता रहे थे कि ये जो हमारा भवन बना है ये हैदराबाद की सबसे खूबसूरत इमारत है, इट्स अ लैंडमार्क ऑफ द सिटी। तो निरंकार कृपा करे इस भवन में आने वाला हर एक व्यक्ति भी वैसे ही खूबसूरत बन पाए और इस शहर में मिसाल बन पाए और बाबा जी का एकत्व का और प्यार का संदेश हर घर में पहुँचा पाए। हैदराबाद से 8 फरवरी को सद्गुरु माता जी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव निजामाबाद के लिए रवाना हुई। निजामाबाद जाते समय रास्ते में मेडचल के सत्संग भवन पर उपस्थित भक्तों को सद्गुरु के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
8 फरवरी को ही सद्गुरु माता जी का निजामाबाद आगमन हुआ। इसी दिन यहाँ के सत्संग भवन के प्रांगण में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ तथा अनेक गणमान्य सज्जनों की उपस्थिति रही। इस उपलक्ष्य में सद्गुरु माता जी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए बाबा जी के हवाले से फूलों का उदाहरण देते हुए कहा कि एक संत का जीवन महकदार फूलों की तरह होता है। अगले दिन 9 फरवरी को निजामाबाद के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित अमरावती के लिए रवाना हुए। रास्ते में यवतमाल के विश्राम गृह में उपस्थित यहाँ के भक्तों को अपने सद्गुरु के पावन दर्शनों और आशीर्वादों का सुअवसर मिला। और इसी प्रकार सद्गुरु माता जी ने अमरावती के बडनेरा में भी रुककर नए सत्संग भवन के लिए ली गई भूमि का अवलोकन किया और निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 9 फरवरी को ही हुजूर माता जी अमरावती पहुंचे, जहां सहकार नगर के मैदान में भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहां पर सद्गुरु माता जी ने ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, इन पंक्तियों का उदाहरण देते हुए ज्ञान के साथ जीवन की समरूपता बनाए रखने पर जोर दिया। अमरावती के भक्तों को एक बार पुनः अपने दिव्य दर्शनों से धन्य करते हुए सद्गुरु माता जी 10 फरवरी को परतवाड़ा के लिए रवाना हुए। रास्ते में अकोला जिले के अकोट में नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर भक्तों को बाबा जी की सिखलाई अनुसार प्यार और नम्रता के साथ मिशन के प्रचार प्रसार का संदेश दिया। 10 फरवरी को परतवाड़ा के परेड ग्राउंड में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं, गीतकारों और कवियों ने सद्गुरु माता जी के समक्ष अपने भाव प्रकट किए और सत्य का संदेश जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया। अंत में ममतामयी सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि कमल के फूल की तरह हम हमेशा खिले रहें, दुनिया की माया का असर अपने ऊपर न लेते हुए मिशन की सिखलाई को आगे बढ़ाते जाएं। अगले दिन 11 फरवरी को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी अपने काफिले सहित इस कल्याण यात्रा के अंतिम पड़ाव नागपुर के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में चंद पलों के लिए रुककर वर्धा में नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और उपस्थित भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात देर रात नागपुर के 5 पावली रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन में सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ। उपस्थित भक्तों ने अपने सद्गुरु का भावभीना स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। 12 फरवरी को नागपुर स्थित रेशम बाग के विशाल मैदान में सत्संग समारोह का आयोजन था। इस समारोह में अनेक भक्तों ने विभिन्न रूपों में अपने भाव सद्गुरु माता जी और साध संगत के समक्ष रखकर आशीर्वाद प्राप्त किए। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया, साध संगत जी, भक्त यही अरदास करता है, मेरे अंदर इतना प्यार भर दो कि मैं एक प्यार की चलती फिरती मूरत बन जाऊँ, मेरे अंदर से मेरी मैं मेरी पूरी तरह से निकाल दो और मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ निरंकार का वासा हो। आपने शौक साहब की भी वो लाइन सुनी होएंगी, मैं भी हाँ ते तू भी है, ऐ गल कुछ जचती नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। भक्त हमेशा कबीर जी वाली अवस्था मांगता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। निरंकार ऐसी अवस्था बना दे कि राम कबीरा एक बहे कोई न सके पहचानी। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की सद्गुरु रूप में पहली बार की जाने वाली महाराष्ट्र और तेलंगाना की मानव कल्याण यात्रा नागपुर के सत्संग कार्यक्रम के साथ ही संपन्न हुई और सद्गुरु माता जी अपने सत्य के काफिले सहित दिल्ली की ओर रवाना हो गए। प्रिय दर्शकों, कल्याण यात्राओं के समाचारों के बाद आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस संदेश को। Children are not things to be molded, but people to be unfolded. With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. तो आइए हर महीने इस मस्ती की झलकी से सीखें और सिखाएं। Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान।
डॉक्टर अंकल करे इन्वेंशन सर पे इनके कितनी टेंशन टैलेंट ह्यूमर स्किल और हिस्ट्री इनकी केमिस्ट्री बन गई मिस्ट्री सीक्रेट है इनका ये फ्यूजन किड्स डिवाइन का बना सॉल्यूशन वेलकम बैक व्यूअर्स The Salvation Tours of Sadhguru Mataji have been receiving an unprecedented and warm welcome by lakhs and lakhs of devotees all across India. Besides these tours, Sadhguru Mataji also blessed the Nirankari Parivar on Guru Puja Divas Samagam, which was held at Ground No. 8, Burari on 23rd of February 2017, marking the 63rd birth anniversary of Baba Hardev Singh Ji Maharaj. The convention saw participation of a large number of devotees from various parts of the world, all there to share the teachings of Baba Hardev Singh Ji. Many social initiatives were also taken on the day, which we shall share with you in our section SNCF Diary. For now, let's move to the section Samagams. Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj ke Janma Divas ke avsar par 23 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला गुरु पूजा दिवस समागम इस वर्ष सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को समर्पित रहा 23 फरवरी की शाम को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की पावन छत्र छाया में दिल्ली के बुराड़ी चौक के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग समारोह का आयोजन हुआ इस समारोह में दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में भक्तों का आगमन हुआ ज्ञात हो कि बीते कई वर्षों से ये दिवस निरंकारी जगत में उत्साह और हर्षोल्लास लेकर आता रहा है और निरंकारी भक्त इसे किसी उत्सव की भांति मनाते रहे हैं किंतु सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज की साकार रूप में अनुपस्थिति से चारों ओर हर्षोल्लास के स्थान पर सहजतापूर्ण सादगी व्याप्त थी हर नयन में सद्गुरु बाबा जी के पावन रूप की तलाश थी और हर हृदय में एक गंभीरतापूर्ण उदासी छाई हुई थी हालांकि सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की गरिमामयी पावन छत्र छाया में भक्तों को अपार सुकून और शांति की अनुभूति भी हो रही थी लंबे लंबे कतारों में श्रद्धालु भक्त सद्गुरु माता जी के पावन चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु बढ़े चले आ रहे थे मंच पर सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के कल्याणकारी जीवन को समर्पित गीतों व्याख्यानों और कविताओं की लड़ी सजी हुई थी जिसे सुनकर भक्तों की आंखें अपने प्यारे सद्गुरु के मधुर स्मृतियों में बार बार नम हो रही थीं। विनाथ के ही चलता रहा कर गया भला संसार का प्यार प्यार बरसा गया एक मसीहा प्यार का गुरु पूजा दिवस के इस अवसर पर बच्चों से संबंधित अनेक रोचक गतिविधियों से भरपूर प्रोग्राम किड्स डिवाइन निरंकारी स्टूडियो द्वारा तैयार कर मिशन के किड्स साइट पर अपलोड किया गया जिसका एक नया एपिसोड आप हर महीने की 23 तारीख को देख सकेंगे इस प्रोग्राम की भूमिका और रूपरेखा आदि पूज्य बहन सुदीक्षा जी द्वारा निर्मित की गई तथा दिन रात मेहनत और लगन से इस रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को तैयार करवाया गया इसी प्रकार सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के जीवन के कुछ सुनहरे पलों को निरंकारी स्टूडियो द्वारा एक लघु फिल्म के रूप में इस अवसर पर स्क्रीन पर चलाया गया जिसे देखकर सद्गुरु बाबा जी की यादें ताजा हो उठी और उनका प्यार भक्तों की आंखों से आंसू बनकर बहने लगा सद्गुरु माता जी घंटों बैठकर भक्तों पर कृपापूर्ण दृष्टि बरसाते रहे सभी के दिलों की सुनते रहे और अंत में अपने आशीष वचनों में कहा सत्संग जी पिछले 8-9 महीने से हम जिक्र कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं बाबा जी के आशीर्वादों का बाबा जी की शिक्षाओं का एक अंथक जीवन जो सिर्फ मानवता को समर्पित रहा सत्संग जी आज सुबह भी जाने का मौका मिला समालखा के पास चार गांव जो मिशन ने अडॉप्ट किए हैं बाबा जी के आशीर्वाद से सब मिशन की शिक्षाओं का बाबा जी की शिक्षाओं का बहुत दे वर वेरी इम्प्रेस्ड
और दिल्ली में भी आपने देखा हॉस्पिटल भी क्लीन हुआ। साथ संगत जी, बाबा जी की आशीर्वादों का जिक्र हम सारी उम्र भी करते रहें तो वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, बाबा जी की मेहरबानियों का, बाबा जी के आशीर्वादों का जिक्र। पर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, जैसा जीवन बाबा जी ने हमसे चाहा वो जीवन हमारा हमेशा बना रहे और हम निरंकार के साथ जुड़े रहें। पश्चिम बंगाल व ओडिशा का दो दिवसीय प्रादेशिक संत समागम सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्रछाया में 25 व 26 फरवरी को कोलकाता के मुजाताड़दह कापासाटी के विशाल मैदान में आयोजित किया गया। इस समागम में पश्चिम बंगाल, ओडिशा व आसपास के राज्यों से भरपूर संख्या में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ। समागम स्थल पर आने वाले भक्तों की सुविधा हेतु हर प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई थी। खुले वाहन में सभी को दर्शन देते हुए सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ। स्थानीय भक्तों ने पारंपरिक अंदाज में हुला हुली की धुनें निकालकर अपने सद्गुरु के प्रति हृदय की प्रसन्नता व्यक्त की। भक्तों ने पुष्पमाला द्वारा सद्गुरु माता जी का स्वागत किया तथा सभी का प्रेम पूर्ण अभिनंदन स्वीकार करते हुए सद्गुरु माता जी आसन पर विराजमान हुए। इस प्रादेशिक समागम में सद्गुरु रूप में पहली बार संगतों को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया प्राप्त हो रही थी। सत्संग कार्यक्रम में हिंदी, बांग्ला, उड़िया सहित देश की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की छटा बिखरती रही। अभिनंदन अभिनंदन करती बंग धरा अभिनंदन, सतगुरु माँ के चरण कमल में सत सत वार नमन, सत सत वार नमन, सत सत वार नमन। समागम के दूसरे दिन यानी 26 फरवरी को सेवादल रैली का आयोजन था। सेवादल के भाई बहन सद्गुरु माता जी के समक्ष पंक्तिबद्ध खड़े थे। रैली का शुभारंभ ध्वजारोहण द्वारा किया गया। इसके बाद सेवादल प्रार्थना, पीटी परेड आदि के माध्यम से सेवादल ने सद्गुरु माता जी का अभिनंदन किया। इसके अलावा भक्त सेवादारों ने विविध खेलों और योगा द्वारा जहां शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाया, वहीं लघु नाटिका और अनेक प्रकार की रोचक प्रस्तुति के माध्यम से सेवा भक्ति का संदेश दिया। सेवादल रैली के संपन्न होने के पश्चात दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी सद्गुरु माता जी के समक्ष भक्तों के मुखारबिंद से विभिन्न भाषाओं में आध्यात्मिकता का संदेश, प्रेरणा भरी कविताएं और भक्ति भरे गीतों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में सद्गुरु माता जी ने बाबा जी की शिक्षाओं को उजागर करते हुए अपने प्रवचनों में फरमाया। साथ संगत जी, मीरा भाई, भक्त कबीर, प्रहलाद, इन सब के जीवन से आप वाकिफ हैं। उन्होंने सिर्फ भक्ति करी और लोगों को ये कभी नहीं बताया कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं भक्त हूँ। उनकी भक्ति के कारण ही सब उनके साथ जुड़ते गए और आज तक श्रद्धा से सब उनको याद करते हैं। दूसरी तरफ रावण जो अभिमानी था, उसको अपनी भक्ति का अभिमान भी था और सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि मैं कितना महान हूँ। उससे अभी तक हर बरस उसका पुतला जलाते हैं और उसके अभिमान के लिए ही उसको याद किया जाता है। अगर हम भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग देखें मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो वह भक्ति नहीं होती। सद्गुरु माता जी के अनमोल प्रवचनों के साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इस दो दिवसीय प्रादेशिक संत समागम का समापन हो गया और दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्त सद्गुरु माता जी के आशीष वचनों को हृदय के पात्र में समेटकर अपने अपने घरों की ओर लौट चले। समागम के सत्संग समारोह का निरंकारी मिशन की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण किया गया। समागम के उपरांत अगले दिन सद्गुरु माता जी ने पारिवारिक रूप से भी भक्तों को अपने दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया।
यहाँ के अनेक सत्संग भवनों पर माता जी का आगमन हुआ और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। और इस प्रकार स्थान स्थान पर संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सद्गुरु माता जी अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जी हाँ, आज के इस प्रचंड भौतिकवाद से प्रभावित मायावी युग में हरि कथा तो मानो दुर्लभ से भी दुर्लभ है, और विशेष रूप से वहाँ जहाँ माया का एक अलग ही प्रभाव है। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की, उन देशों की जहाँ लोगों के पास सब कुछ है पर फिर भी मन बेचैन है। और ऐसे स्थानों पर भी निरंकारी परिवार के सदस्य यानी हमारे साथी भक्त व सेवादार सद्गुरु के संदेश को इन सभी तक अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा पहुँचा रहे हैं। Yes, dear friends, the volunteers and followers of Nirankari Mission are giving all it takes to reach out to our brothers and sisters who are in search of truth and peace. Let us take a look at the contributions of our international branches in the section Mission Overseas. In the month of February 2017, various cancer awareness walks were organized in US in the cities of Washington, D.C., Houston and New York. In New York, the walk took place at the Philly Square. Devotees from New York and neighborhood brought their family and friends in support of the cause. Along with cancer awareness, Mission's message of unity and togetherness was also shared among the community. Tell us in three words to sum up this event. It's uniting. It's creating awareness, and it's certainly celebrating the folks that have not only left us but also are with us because they've beaten cancer. Eclecticism of this place just draws people, as we could see, it's drawing a lot of outsiders. So not just the awareness of cancer but also igniting a message of the mission. This is a cancer awareness event. You know, we're bringing awareness that cancer together we can fight. How do you feel about these events? It's a very nice event, and I see the whole community of all the international people are together here, and also the children are doing a good job in singing and bringing love outside. Through Mataji's grace that we have such a wonderful event, and that the mission is promoting awareness of cancer and promoting this rally to bringing all faiths, all people of different religions, caste, creed into one, and recognizing this epidemic that is cancer. In Washington, D.C., cultural events were also organized to demonstrate strength and unity. I was very pleased with this. The Indian American community makes up about a third of all of the population here. And so all of the cultural events, all of the things that we do are very heavily influenced by the Indian American community. And I'm very, very proud that they are a part of it. And of course, what you're doing for cancer research is a wonderful thing that helps all of humanity. The walk in Houston also saw active involvement of Nirankari volunteers. A food drive was organized in the city of Toronto, Canada in the month of February 2017, where 8,810 pounds of food items were donated to commemorate Guru Puja Devas. A similar food drive was also held in the city of Ghana, Africa, where the needy sections of society were served food packets by the volunteers of the mission. A cleaning drive was organized in Melbourne, Australia in the month of February on the occasion of Guru Puja Divas. The Guru Puja Divas also saw tree plantation and cleanliness drives being organized across various centers of the mission globally. In Yorkshire, UK, a similar event was held where tree plantation drives started after a prayer. Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj ki 63rd Guru Puja Divas ke
Lakshmi, ye seva ante mahatma throughout United Kingdom, London se leke Scotland tak ke mahatma yahan aake aaj Yorkshire mein tree plantation kar rahe hain. Marking the 63rd birth anniversary of Baba Hardev Singh Ji, the devotees shared the teachings of Baba Ji. Today we're here with the Sant Nirankari Mission and the mayor of this town to help clean the Adopt a Road Foundation. How do you feel about the Sant Nirankari providing such social services to the community? Anytime you have a group of people that is willing to go out into the community and better the community, whether it be through physical service like picking up a trash along the road, or whether it be serving other people, that is just a win-win for our city. So from the city of Lawrenceville, myself, my council and staff, we thank you so much for being in Lawrenceville and choosing Lawrenceville, and for also choosing to be of service to our residents. Sadhguru Mataji also blessed the devotees through an audio message. Sincerely love Dhan Nirankar Ji, you are all gathered here in Bradford for the National Tree Plantation event. Babaji always taught us our responsibility not to only towards our family, but also towards the society and the planet. The love and care should not only be just limited to human beings, but also for the planet that sustains us. There was a similar tree plantation drive in London too last week, and cleanliness drives have been going on in UK. All these activities help to spread the message of the mission too. May Nirankar bless everyone to be able to contribute towards making this planet healthier and greener. Sat Sri Akal, Dhan Nirankar. So friends, that was Mission Overseas. And now it's time for a bird's eye view of the social initiatives of the mission being executed through Sant Nirankari Charitable Foundation and its huge team of volunteers. SNCF and its volunteers were very active this month in their efforts to live up to the word and vision of Baba Hardev Singh Ji, as this month brings back the memories of his birthday and the social engagements associated with the Guru Puja Divas. Let us take a look at all such activities in the segment SNCF Diary. सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के मार्गदर्शन से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में जन जन को जागरूक करते हुए अपनी सेवाएं निष्काम भाव से समर्पित कर मानव जाति को प्रोत्साहित कर वह प्रेरणादायक किरदार निभा रहा है। फरवरी माह 2017 में भी मानव हित में किए जा रहे कार्य निरंतर चलते रहे। 1 फरवरी सुंदरानी धर्मार्थ नेत्र अस्पताल में SNCF द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी से लैस फैको मशीन डोनेट की गई। 5 फरवरी को मुंबई में एक आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स ने अनुभवी डॉक्टर्स के सहयोग से मरीजों की देखरेख की। 11 फरवरी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज NITRD मेहरौली दिल्ली में SNCF के वॉलंटियर्स व डॉक्टर्स द्वारा ट्री प्लांटेशन कर वातावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली गई। 12 फरवरी को ही नागपुर में भी SNCF के कार्य क्षेत्रों का उल्लेख करती एक सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका भक्तों ने अवलोकन किया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में 6 फरवरी से 13 फरवरी तक जिला प्रशासन एवं रोटरी क्लब द्वारा आयोजित निशुल्क चिकित्सा एवं शल्य क्रिया शिविर का कैंप लगाया गया, जिसमें मिशन के सेवादारों व SNCF के सदस्यों द्वारा भव्य आयोजन में भोजन वितरण, निरंकारी साहित्य, पियाऊ जैसी अन्य सेवाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 26 फरवरी फरीदाबाद में एक सुजोग थेरेपी व एक्यूप्रेशर कैंप लगाया गया, जहां लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य का भरपूर लाभ उठाया। रक्तदान की लड़ी में 5 फरवरी को इटावा उत्तर प्रदेश और 19 फरवरी को कपूरथला में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें भारी मात्रा में रक्तदान कर इंसानियत के नाम संदेश दिया गया। इसके अलावा विदेशों में भी रक्तदान की श्रृंखला जारी रही। 15 फरवरी को लखनऊ में एक मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई, जिसमें मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 23 फरवरी 2017 में ही निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 63वें जन्मदिवस पर देश भर में स्वच्छता व वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जहां गुरु पूजा दिवस के अवसर पर निरंकारी मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स ने सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से देश के 263 रेलवे स्टेशनों सहित पब्लिक पार्क्स की भी सफाई की गई।
मैं दैनिक यात्री अरुण कुमार मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। ये संत निरंकारी की तरफ से बहुत ही अच्छा यहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तरफ आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी तरफ से बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए आगे शुभकामनाएं भी देता हूँ आगे के। बड़े अच्छे अच्छे घरों के लोगों को मैंने सेवा करते देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अभी इनका साथ दूँ और जब तक ट्रेन नहीं आती मैं भी सेवा करूँ। Thanirankar ji, my name is Teresa Vandermeer. I'm here with the Nirankari mission today at the train station in Ahmedabad. Many of these saints are doing extremely good work trying to support and clean the community. We all know that having a clean community and having a clean and healthy environment is good for everyone. साथ ही हॉस्पिटल की भी सफाई की गई, जिसमें मुख्य रहे टीबी हॉस्पिटल मेहरौली दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, टीकापुर नेपाल व अन्य स्थान रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में होली डॉटर बहन रेणुका जी ने पहुंचकर सेवादारों व एसएनसीएफ के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। टीबी हॉस्पिटल मेहरौली में होली डॉटर बहन समता जी ने सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से वॉलंटियर्स व सेवादारों के साथ वृक्षारोपण कर इस अभियान का हिस्सा बने। आज बाबू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सब इस सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जैसे बाबू जी चाहते थे कि मानवता की सेवा बढ़ चढ़ के करी जाए, आज हम उसी उनकी ध्यान को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू जी आशीर्वाद दें कि जैसे वो चाहते थे हम वैसे ही जीवन जी पाएँ और उनके सारे काम, उनके सपने पूरे कर पाएँ। जनवरी माह में हरियाणा के दो गांवों को अडॉप्ट किया गया, जिसे फरवरी माह में बढ़ाकर हरियाणा के चार गांवों को अडॉप्ट किया गया, जिसे गुरु पूजा दिवस के अवसर में ही हरियाणा क्षेत्र के इन चार गांवों में पांची गुजरान, सोनीपत में मंडोरा, पानीपत में पाटी कल्याण और भोडवाली माजरी में सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद द्वारा स्वच्छता की इस मुहिम का शुभारम्भ किया गया। और इन चार गाँवों में हजारों की तादाद में मिशन के सेवादारों वह एसएनसीएफ के स्वयं सेवकों ने मिलकर बड़े ही उत्साह से गांव के हर क्षेत्र को स्वच्छ व स्वस्थ रखने का पूरा योगदान दिया। वेयर होली सिस्टर बिंदिया छाबरा जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ एसएनसीएफ, टुक एन इनोवेटिव डिसीजन एंड अरेंज्ड अ डेमोनस्ट्रेशन ओवर वेस्ट मैनेजमेंट इन विलेज पाटी कल्याण थ्रू एक्सपर्ट्स फ्रॉम मुंबई। बहन बिंदिया छाबरा जी की अगुवाई में एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स वे सेवादारों ने बड़े ही जोश के साथ सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज को अपनी सेवाएं समर्पित की। साथ ही नुक्कड़ नाटकों के जरिए गांव के स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया, जहां क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी पहुंचकर मिशन के इस कार्य की सराहना की। हमारे साथ गांव के सरपंच विजय पाल जी भी हैं। विजय पाल जी भी काफी समय से इस अभियान से भी जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा जी, बहुत बहुत आभारी है निरंकारी मंडल के, पूरा गांव भारी है। ये निरंकारी मंडल की तरफ से जो यहाँ पे सेवादार आए हैं, उनका अनुशासन, उनकी एकता देखकर हम सब हैरान हैं, और मेरा गांव चुना गया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मोल इतना बदल रहा, हमेशा लगा जैसे राम आ चुके हों गांव में। आज गांव में ना सिर्फ सफाई हो रही है बल्कि ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी जगह जगह चल रहा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि सफाई के साथ साथ इसका क्या महत्व है। बहुत शुभ दिन है क्योंकि हमारे बाबा जी का बर्थडे है 63वां, तो इस खुशी में हमें प्लांटेशन की सेवा मिली है। पाल माजरी के अंदर हम लोग हैं, और आज जो सफाई अभियान संतनिरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन यहाँ चला रहा है, उसको देखते हुए यहाँ के स्थानीय स्कूल में भी इतना जोश आ गया कि उन बच्चों ने, हेडमास्टर साहब ने बताया कि अभी के अभी यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है जो जागरूक कर रही है इस जन जन को सफाई अभियान के तरफ। आइए देखते हैं ये सारी की सारी रैली, ये स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे जो हमारे संतनिरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के संदेश को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मैं सरपंच हूँ यहाँ भोडवाल माजरी से। जागरूकता तो अब आई है इनके आने के बाद, इन्होंने गांव में बहुत ही संयम से, अनुशासन से सफाई करवाई है, गांव को भी जागरूक किया है। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, निरंकारी मंडल का, माता जी का, सतगुरु जी का, इनका धन्यवाद करती हूँ। नर सेवा नारायण पूजा, यही बाबा जी ने शुरू से हमको सिखाया है, और इसी को ध्यान में रख के 2010 में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का शुरुआत हुआ, और आप देख रहे हैं कि
इंडिया में जगह जगह एंड नॉट ओनली इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर हैविंग द फॉलोअर्स ऑफ द मिशन डूइंग द क्लिनलीनेस ड्राइव्स एंड ट्री प्लांटेशन. और बाबा जी ने यही हमको सिखाया, प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही नुकसानदायक हैं. इसी दिन वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया जिसका शुभारंभ सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के द्वारा दिल्ली में ग्राउंड 8 में वृक्ष लगाकर किया गया, जहां सेवादारों द्वारा अनेक स्थानों में वृक्षारोपण कर वातावरण को सुंदर रखने का संदेश दिया गया. इस पूरे एक दिवसीय स्वच्छता के इस भव्य आयोजन का गुरु पूजा दिवस पर सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के आशीर्वाद से पूरे देश विदेश में लगभग 100,000 SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों ने मिलकर मानव जन को रैली, स्वच्छता, वृक्षारोपण, नाटक व अन्य रूपों से देश को सुंदर व स्वस्थ रखने के लिए प्रेरणा देकर, जागरूक करने का संदेश देकर सेवादारों ने निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को उनके 63वें जन्मदिवस पर अपने सेवाएं समर्पित की. Friends, we hope the journey through SNCF Diary must have been inspirational for all of you. दोस्तों, उद्देश्य है हमारा मिशन की गतिविधियों को ऑलमोस्ट रियल टाइम में दिखाकर पूरे परिवार को, पूरे निरंकारी परिवार को गौरवान्वित और प्रेरित करना. तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, पर उससे पहले एक लघु विराम. Children are not things to be molded, but people to be unfolded. With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. तो आइए हर महीने इस मस्ती की झलकी से सीखें और सिखाएं. Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान. दोस्तों, इस संदेश के बाद आप सभी का न्यूज़ डिवाइन में एक बार फिर से स्वागत. और अब वक्त है आगे बढ़ने का अपने अगले सेक्शन की ओर, एक खास मुलाकात. दोस्तों, आज हमारे साथ बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री डेजी शाह हमारे साथ हैं, एन इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ बॉलीवुड एंड एक्ट्रेस, एंड ऑफकोर्स शी इज़ ऑल्सो बीन अ कोरियोग्राफर. वेलकम डेजी टू निरंकारी मिशन, टू द संत निरंकारी समागम. Thank you so much for having me here. I would want to ask you, how has your experience been here? This is my first time, and I must say that maybe a small information or small knowledge that I'm taking away with me tonight, but I'm pretty sure that small knowledge is going to help me in a big way. Mm-hmm. And what the mission say is all about, and the great thing what Babaji has said to everyone, and he's been trying to incorporate this feeling of love and humbleness into every human being is a great thought. And today we see that people are so much bothered and they care so much about their external beauty, because you are from Bollywood and Bollywood means glamour, beauty, whereas no one is rather taking much interest in the inner beauty. So is it not important, you think, to inculcate this passion for creating oneself or creating inner beauty within oneself? It is very much important, and I have been saying this since my last 3 years of career, and every tabloid been asking me or any media person asking me that what is one thing that a person needs to do to stay beautiful. So what I say is that if you're inside happy, you're happy on the outside. So if you don't have a clean and a beautiful heart, this is never going to look beautiful. Absolutely. And how do you think that the teachings of the Sant Nirankari mission, which we were just sharing, and the teachings of love, compassion, tolerance that Sadhguru Mataji today is also propagating, and the teachings that God realization can lead to love, the universal and eternal love in human beings, how can this help you and the entire mankind? What message would you want to give to our viewers? It all depends on the perspective, I would say. And there's always a good side and a bad side to everything, and mark my words, everything. So it's your
perception that you're taking it, or it's your way of looking at things. So the more positively you think, look at things, and you know, you can come up with better solutions of making things better and all. But if you're just gonna concentrate on the negative side of it, I'm sorry, that is, then nobody can help you in this world. So your message is, be positive, love all, and stay happy and blissful. Absolutely. Thank you so much for being with us, for our viewers of News Divine. Thank you so much. तो देखा दोस्तों, पूरा विश्व आज निरंकारी मिशन के सिद्धांतों और प्रेरणाओं से प्रभावित है, और इसके पीछे हजारों कार्यकर्ताओं, सेवादारों और भक्तों का तप, त्याग और परिश्रम है। मिसाल के तौर पर मुंबई महाराष्ट्र के इन नौजवानों को देखिए, जिन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में मिशन के संदेश को बहुत ही सार्थक और प्रभावशाली ढंग से जन जन तक पहुँचाया। इसके अलावा और भी अनेक कार्य फरवरी के महीने में किए गए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नजर से सेक्शन अन्य समाचार में। मिशन के प्रचार विभाग की ओर से फरवरी के महीने में भी देश के विभिन्न शहरों में प्रचारक ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, जिनमें 24 फरवरी को हरियाणा के यमुनानगर, 25 को चंडीगढ़, 27 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में और 28 फरवरी को पंजाब के ही कपूरथला में ये प्रचारक ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, जिसमें मिशन के प्रचारकों और प्रबंधकों को प्रचार और प्रसार संबंधी जानकारी दी गई। इसी प्रकार फरवरी के महीने में मिशन के प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय समागम के दौरान निरंकारी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 36 वर्षों के दिव्य अभियान को कलात्मक ढंग से दर्शाया गया था। इसके साथ ही मिशन के इतिहास और दर्शन के अलावा बाबा जी के समय में हुए रचनात्मक कार्य को भी इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से उकेरा गया था। हजारों की संख्या में आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर लाभ उठाया। Finally, we have reached the end of the episode, and the end reminds us to request you to send your feedbacks and suggestions at newsdivine@nirankari.org, so that we can make our communication of Nirankari news more and more vivid, inclusive, effective and inspirational. Looking forward to bring more news from the divine world of the Nirankari Parivar. I am Rakesh, seeking your leave for this episode. Keep watching News Divine. Khabre, Prem aur Bhakti ki. Namaskar, Dhan Nirankar.